रजत ने बोली ईशा को बड़ी बात, मैं अविनाश का कुत्ता नहीं हूं कि उसके पीछे पीछे अपनी दुम घुमाता फिरूंगा। जी हाँ, ईशा कहती है कि आपने मुस्कान को क्यों घर बाहर जाने के लिए नॉमिनेट किया। जहाँ पर रजत कहते हैं मैंने उसके मुंह पर बोला था, आपके सामने भी बोला था, मुस्कान का इस घर में रोल कम है तो मैं उसको बाहर भेजने के लिए करूँगा। मैं यहाँ पर गेम के आधार पर जज करूँगा। बागा सबसे ज़्यादा बोलते हैं तो मैं बागा को क्यों करूँ घर से बाहर जाने के लिए। यदि बागा कुछ भी बोलते नहीं है, मुस्कान से मैंने 2 बार लड़ाई करने की कोशिश की, कुछ बोलने की, कुछ निकलवाने की, लेकिन वो चुप साफ रही। मैंने उसको 1 घंटा लेसन दिया, मैंने कहा मुस्कान कुछ बोल, और बागा को किसी ने लेसन नहीं दिया, फिर भी वो बोल रहा है सबके साथ। कोशिश तो कर रहा है भले ही कम हो घर के अंदर, लेकिन मुस्कान से तो उसका ज़्यादा, इसलिए मैंने मुस्कान को किया। जहाँ पर ईशा कहती है तो हमारी टीम टूट गई। जहाँ पर भाई बात करे तो रजत कहते हैं मुझे टीम का पड़ा नहीं, मैंने पहले ही कहा था मैं इंडिविजुअली खेलूँगा, और ना मैं सामने वाली टीम का हूँ ना इस टीम वाले को। यदि अविनाश मेरा खुद का हुआ नहीं तो मैं क्यों हूँ? अविनाश ने कहा, मैंने कहा टीम बनेंगे। जब अविनाश ने कहा देखूंगा, तो देखूंगा और टीम में होने का फर्क होता है। यदि कहता कि मैं आपकी टीम के अंदर हूँ तो मैं उसके साथ रहता, मैं उसके अंडर नहीं रह सकता, मैं उसका पपेट बनकर नहीं घूम सकता। जहाँ पर ईशा कहती है तो भाई मुस्कान तो अपनी थी ना। जहाँ पर रजत कहता अपना अपना यहाँ पर कुछ नहीं होता है, कल तो मुस्कान को ट्रॉफी दोगी। जहाँ पर ईशा कहते वो तो नहीं, तो आपके अपना अपना क्या होता है, यहाँ पर सब गेम खेलने आए हैं, यहाँ पर मैं जो भी फैसले लूँगा सही लूँगा, और जो पॉइंट व्यू दूंगा, जो उसका रीजन दूंगा वो भी वाजिब दूंगा। मैं यहाँ पर अविनाश गलत होगा, अभी अविनाश कॉफ़ी लेकर घूम रहा है, और बात करें तो घर के अंदर खाना पूरा छुपा दिया है, लग्जरी खाना, और कॉफ़ियाँ छुपा दिए 2-3 डब्बे, और वो कॉफ़ी कह रहा कॉफ़ी ले लो, मेरे कॉफ़ी में ले लो। जेल के अंदर था तो यार कुछ मांग भी लेते, लेकिन बाहर भी इस तरीके की हरकत करता, गलत में भी मैं उससे साथ दूँ। उसको आना चाहिए था रजत आपको कॉपी चाहिए तो ये लो, पास में मेल देनी चाहिए, लेकिन अपने हाथ में ले लेकर घूम रहा है। मैं उसका कोई कुत्ता वगैरह नहीं हूँ जो उसके पीछे बात कर तो जाएगा और रोटी फेंकेगा और अब मैं खाऊंगा। मैं घर के अंदर अपना एक अलग अस्तित्व लेकर आया हूँ, मैं यहाँ पर पपट बनने नहीं आया हूँ। जी हाँ, इस तरीके से रजत दलाल ईशा को समझाते हुए नजर आ रहे हैं।